नमस्कार विद्यार्थियों, तो आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12 जो कि एनसीईआरटी पैटर्न बताया जा रहा है, ठीक है। विषय है रासायनिक, कौन सा है? रासायनिक विज्ञान, ठीक है। तो रसायन विज्ञान का है विषय, और आज के इस वीडियो में हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का भाग नंबर 31 बताने वाले हैं। इसके पहले हमने 30 पार्ट की वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम ज्यादा देर नहीं करते हैं और हम आज की इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो इसके पिछले वाले वीडियो में यानी भाग 30 में हम आपको क्वेश्चन नंबर 16 तक क्लियर कर चुके थे। आज के इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 17 बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, आइए हम इसको करते हैं और इसको समझते हैं, ठीक है। ये तो पता है आपको कि ये जो क्वेश्चन चल रहा है ये 5 नंबर के क्वेश्चन है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम बोर्ड के लिए आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? ध्यान दीजिएगा, प्रयोगशाला में फास्फीन बनाने का नामांकित चित्र बनाकर अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा फास्फीन के दो उपयोग लिखिए, ठीक है। तो पहले प्रयोगशाला विधि हम समझ लेते हैं। तो प्रयोगशाला विधि होता क्या है, ठीक है। तो बताया जा रहा है कि प्रयोगशाला विधि में हम क्या करते हैं, पहले प्रयोगशाला विधि में फास्फोरस को सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, यानी ओएच, यानी मतलब सोडियम, ओएच मतलब हाइड्रोक्साइड, विलयन के साथ निष्क्रिय वातावरण में गर्म करने पर फास्फीन प्राप्त होता है। क्या होता है? प्रयोगशाला में जब हम फास्फोरस को सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ निष्क्रिय वातावरण में गर्म करते हैं तब हमको क्या मिलता है? फास्फीन मिलता है। आइए इसका रासायनिक समीकरण हम समझाते हैं आपको। तो ध्यान दीजिएगा, हम ले लेते हैं पहले फास्फोरस, ठीक है। फास्फोरस का स्पेल क्या होता है? सूत्र, फास्फोरस का सूत्र होता है P4, हो गया P4, क्लियर है। अब ले लेते हैं, क्या यहां बोला गया है? सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? NaOH, ठीक है। और क्या बोला है कि NaOH विलयन के साथ मतलब और क्या होगा इसमें? जल भी होगा, ठीक है, प्लस H2O, क्लियर है। अब देखिए यहां पे हम ले लेंगे 3Na और यहां पे लगा देंगे 3H2O, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिएक्शन। अब देखिए इसको हम कैसे रिएक्शन करते हैं, तो और क्या बनेगा? फास्फीन बनेगा, तो कैसे बनेगा आइए हम ये समझाते हैं ध्यान से, ठीक है। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम गर्म करेंगे। तो पहले तो हम देखते हैं Na कितना है आपका? 3 है, ठीक है। H कितना है? 6 है, 3 × 6 है ना, 6। और P कितना है? P आपका 4 है, ठीक। O कितना है? O आपका 6। तो पहले तो हम यहां से 3Na निकाल लेते हैं, निकल गया 3Na, खत्म ये पूरा, ठीक है। अब क्या निकालेंगे? H कितना है? 6 है, 3 × 6। तो अगर हम यहां H2 लिख देते हैं तो 3 × 6 हो जाएगा, कंप्लीट हुआ। अब देखिए P कितना है? 4 है, ठीक है। तो लेकिन ये 4 है तो हम यहां पे एक ही P लिखेंगे, ठीक है, सॉरी यहां पे एक P लिखेंगे, तो यहां आगे 3 लगाई है, समझ आ रही बात? अगर यहां पे एक लिख रहे हैं, एक का P लिख रहे हैं, तो यहां पे 3 लगाए तो 3 P हो गया, हो गया ना। अब देखिए O कितना है? 3 × 3 = 6 है, तो हम यहां पे पूरा का पूरा निकाल देते हैं, PO2 लिख देंगे, तो 2 × 3 = 6 O भी कंप्लीट हो गया। अब बचा क्या है ये देखिए, ठीक है। तो P आपका अभी एक P बचा है, ठीक है, और इसमें से आपका क्या बचा है? इसमें से आपका एक चीज और बचा है, क्या बचा है? देखिए 3 × 6 H हम यहां से निकाल दिए हैं, लेकिन ये वाला जो H है इसके साथ 3 H बचा है, तो H कितना बचा है? 3, तो PH3 बच रहा है, तो यही जो PH3 बच रहा है हम इसको इधर लिख देंगे, PH3, दिखाई नहीं दिया, ध्यान दीजिएगा ये है PH3, यही होता है आपका फास्फीन,
फास्फीन, ठीक है। कितने लोग होंगे उनको फास्फीन का सूत्र भी नहीं पता होगा, तो बहुत सारे बच्चे होंगे ऐसे जिनको नहीं समझ आता है, तो वो समझे कि PS3 को क्या कहते हैं, फास्फीन कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रयोगशाला विधि है, तो ये हमेशा पूछने के चांसेस बनते रहते हैं, ठीक है। तो आप इन रिएक्शन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब चलिए हम इसके चलते हैं कुछ मेथड्स पे कि कैसे हम बनाते हैं। अब इसके चित्र को बनाकर समझाएंगे ना। चलिए तो चित्र ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए चित्र है, ठीक है, और चित्र में क्या क्या है ये भी हम आपको क्लियर कर देते हैं। ये जो है ध्यान दीजिएगा, ये क्या है आपका, ये है सफेद सफेद फास्फोरस, ठीक है, और ये सफेद फास्फोरस हो गया। और ये क्या है, ये सांद्र NaOH है। क्या है, सांद्र NaOH, ठीक, ये हो गया सांद्र NaOH। अब बात करते हैं यहां पे ये जो गैस है, ये कौन सी गैस है, ये कोल गैस है, कोल गैस, ठीक। और ये क्या है, ये आपका है, क्या है, ये लैंप लगा है, ठीक है। यहां से ज्वाला निकलती है तो इसे हीट करना होता है। अभी हम इसके बारे में आपको डिस्कस करेंगे नीचे, ठीक है। पहले हम आपको ये बता दें कौन सा क्या है, ठीक है। और ये जो इसमें है, ये क्या है आपका, ये आपका है ठंडा जल, ठीक है, ठंडा जल, ठीक है। और कैसा ठंडा जल, बर्फ का ठंडा जल, ठीक है। और एक चीज ध्यान दीजिए, तो यहां पे जो आपका बन के आएगा वो क्या होगा, फास्फीन आएगा, फास्फीन, क्लियर है। तो अब हम इस चित्र को एकदम बेसिक तरीके से क्लियर करने जा रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे क्लियर, तो इसमें बोला जा रहा है एक गोल पेंदी के फ्लास्क में, एक गोल पेंदी का फ्लास्क कौन सा है, ये जो है इसी को कहा जा रहा है कि एक गोल पेंदी के फ्लास्क में, ठीक है, 30 से 40% सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लेकर, आप देखिए इसमें क्या लेते हैं, 30 से 40% सांद्र NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड लेकर क्या करते हैं, उसका विलयन लेकर फास्फोरस के साथ कोल गैस के अक्रिय वातावरण पे गर्म करने पर फास्फीन गैस बनता है। तो ये सफेद फास्फोरस है, ठीक है, क्या सफेद फास्फोरस को लेकर उसको हम क्या करते हैं, कोल गैस द्वारा इसको क्या करते हैं, कोल गैस द्वारा अक्रिय वातावरण में गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, फास्फीन गैस जो होता है उसके बुलबुले के रूप में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या बताया जा रहा है, फास्फोरस के साथ कोल गैस के अक्रिय वातावरण में गर्म करने पर फास्फीन गैस बुलबुलों के रूप में निकलती है, इस प्रकार बनी गैस को जल के अधोमुखी विस्थापन द्वारा एकत्रित कर लिया जाता है, ठीक है। तो यहां देखिए, तो ये जो बुलबुले टाइप का निकल रहा है ये क्या है आपका, फास्फीन है, और इसको अधोमुखी द्वारा क्या कर लिया जाता है, एकत्रित कर लिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, फास्फीन प्राप्त कर सकते हैं, वो भी कैसे, प्रयोगशाला विधि से, क्लियर हो गया। चलिए तो अब हम इसकी कुछ रासायनिक गुण भी बता देते हैं आपको। तो आइए रासायनिक गुण देखिए इसका, तो रासायनिक गुण की बात करें एक हम, तो इसमें बोला क्या जा रहा है कि सोडियम से अभिक्रिया, अब सोडियम से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, क्लियर है। चलिए तो हम आपको समझाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, तो इसमें बताया जा रहा है क्या, जब फास्फीन की क्रिया सोडियम से कराई जाती है तो सोडियम फास्फाइड बनता है, क्या बनता है, सोडियम फास्फाइड बनता है। तो कैसे बनेगा, आइए हम आपको दिखाते हैं। तो पहले ले लेते हैं फास्फीन, तो फास्फीन का सूत्र क्या होता है, PH3, हो गया PH3। अब किससे क्रिया कराना है, सोडियम से, सोडियम का सूत्र क्या होता है, Na होता है, ये हो गया सोडियम। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम 2 ले लेंगे और यहां पे हम 3 ले लेंगे, सॉरी 6 ले लेंगे, ठीक है, 6 Na हो गया और 2 PH3 यानी फास्फीन। अब हम इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो जब इसको गर्म करके रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, Na कितना है, Na 6 है, ठीक है। चलिए तो जब Na 6 है तो हम इसको लिख देते हैं पहले क्या, 2 Na 3, Na खत्म हो गया। अब बचा क्या, PH3 बचा हुआ है, PH3 बचा है, H कितना है, 6 है, और P कितना है, 2 है,
जब पी दो ठो है तो अगर हम यहाँ पी लिख देते हैं तो ये दो आगे लगा है तो दो ठो पी कंप्लीट हो जाएगा, मतलब पी खत्म हो गया। अब आपका बचा है सिंपल बस यच, तीन दुनी के छठो यच बचा है, तो छठो यच जब बचा है तो हम इसको कैसे करेंगे, छ यच को हम लिखेंगे थ्री यच टू, ठीक है थ्री एच टू, ये तीन हाइड्रोजन हो गया तो तीन दुनी के छठो कंप्लीट हो गया। तो ये ऐसे होता है रिएक्शन, ठीक है। तो देखिए हमने आपको एक रासायनिक अभिक्रिया भी बता दिया है, क्या कि जब सोडियम से क्रिया करता है फास्फीन तो सोडियम फास्फाइड बनाता है, इसका नाम हो जाएगा फास्फीन, फास्फीन, ठीक है। और इसका नाम जानते हैं सोडियम, और इसका क्या हो जाएगा सोडियम फास्फाइड, जो कि हमको यहां बनाना था, ठीक है। सोडियम फास्फाइड हो गया और थ्री एच टू मतलब हाइड्रोजन हो गया, क्लियर हो गया। चलिए तो हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब हम चलते हैं इसके कुछ उपयोग के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके यूज कहाँ होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको पूछा गया था क्या फास्फीन के दो उपयोग भी लिखिए, तो दो उपयोग क्या होते हैं आइए हम आपको लिख के समझा देते हैं, ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, तो जब हम इसके दो उपयोग लिखेंगे तो पहला उपयोग होगा आपका क्या होगा, पहला उपयोग होगा क्या कि धातुओं के फास्फाइड बनाने में, ठीक है। जैसे देखिए अभी हमने सोडियम धातु का फास्फाइड बना दिया, तो लिख सकते हैं क्या धातुओं के ठीक है धातुओं के फास्फाइड बनाने में, बनाने में, ठीक है। तो क्या हो गया धातुओं के फास्फाइड बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, किसका फास्फीन का, ठीक है। और दूसरा आपका हो जाएगा क्या, दूसरा आपका हो जाएगा कैल्शियम फास्फाइड, ठीक है। होम्ज संकेत बनाने में किसका यूज होता है, काम आता है कौन, फास्फीन गैस, ठीक है। तो लिखेंगे क्या कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम और क्या बोला गया फास्फाइड, कैल्शियम फास्फाइड, फास्फाइड, ठीक है। कैल्शियम फास्फाइड होम्ज संकेत भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा होम्ज संकेत बनाने में, ठीक है, फास्फीन गैस का प्रयोग होता है, फास्फीन गैस का उपयोग, ठीक है, होता है। तो देखिए हमने इस फास्फीन गैस के दो उपयोग भी बता दिया, और रासायनिक गुण भी बता दिए, और इसका प्रयोगशाला विधि भी समझा दिए, और इसके सारे रिएक्शन भी समझा दिए। अगर आप इतना करते हैं तब आपको मिलेंगे पांच नंबर, ठीक है। पांच नंबर आपको तभी मिलेगा जब आप इतना पूरा करेंगे, ठीक है। तो आपको ये वीडियो समझ में आ गया, हमें तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।